prices are just. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार व्लॉग्स। क्या हाल चाल है गाइस? सो गाइस, हम लोग अभी जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए। अभी हम सुबह उठे हैं और नाश्ता करेंगे और इसके बाद हम लोग जो जाएंगे ना, हमें जाना है आज मार्केट सर्च करनी है यहाँ की, कैसी हैं यहाँ की मार्केट्स। और सुना है यहाँ पे ईरानी प्रोडक्ट्स मिलती हैं यहाँ पे बहुत अच्छी सी, और एक नेटो मार्केट है। तो गाइज़ हम लोग वहाँ पे जाएंगे आज, वहाँ पे सर्च करेंगे क्या है। सबसे पहले हम जाके नाश्ता करते हैं, इसके बाद हम चलेंगे डायरेक्ट मार्केट। हाँ जी गाइस, तो हम लोग तो पहुँच गए हैं और होटल्स पास में ही, बिल्कुल 5 मिनट का भी रास्ता नहीं होता है। सो हमने नाश्ता भी मंगा लिया है, अब हम करते हैं नाश्ता और नाश्ता करने के बाद फिर हम यहीं से डायरेक्ट निकलेंगे मार्केट्स के लिए। सो नाश्ता करके चलते हैं। सो गाइस, हम लोग निकल चुके हैं। अच्छा ये अच्छा, सामने जो ये जितने भी शॉप्स आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये सारे यानी पेशावरी सैंडल्स होते हैं ना, उनकी मार्केट है। यहाँ पे लेडीज़ जेंट्स बच्चों के आपको सैंडल्स इजीली मिल जाएंगे यहाँ पे। तो हम लोग मार्केट तो पहुंच चुके हैं और यहाँ पे पहुँचते हम क्या देख रहे हैं कि यार यहाँ पे इतनी ब्लैंकेट्स की इतनी ज़्यादा शॉप्स हैं, क्योंकि यहाँ पे सर्दियाँ ज़्यादा होती हैं। और कालीन की भी बहुत बड़ी बड़ी शॉप्स हैं यहाँ पे, और इतनी वैरायटी है यहाँ पे। अच्छा वैरायटी इसलिए मुझे ज़्यादा लग रही है क्योंकि है ना, यहाँ पर पठान फैमिली जो होती है ना, इनके घर में भी कालीन का ज़्यादा फैशन है, तो अच्छे लगते हैं यार कालीन। और जब हम गए थे दावत में तो उनके घर में भी पूरा कालीन बिछा हुआ था, तो अच्छा लग रहा था यानी। तो ये है ईरानी मार्केट और यहाँ पे हम पूरी मार्केट सर्च करेंगे कि यहाँ पे क्या क्या मिलता है, और मैं आपको पूरी मार्केट दिखाऊंगी। सो स्टे विद मी, कहीं आपको नहीं जाना है, मेरे साथ पूरी आपको मार्केट दिखाऊंगी और यहाँ पे क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं मैं आपको सारा दिखाऊंगी। हाँ जी, बिस्किट आपने देख लिए, बिस्किट में भी हर किस्म के यहाँ पे बिस्किट रखे हुए थे, ईरानी बिस्किट्स। और इसके बाद अब हमने ये चॉकलेट्स देखे हैं, ये चॉकलेट्स में भी काफ़ी फ्लेवर यहाँ पे थे, हर किस्म की चॉकलेट है यहाँ पे। इसके बाद ये जो एक बॉक्स में ना, ये लिखा हुआ था शुगर जेली, अब पता नहीं कौन सी जेली है इसमें, लेकिन बहुत ही प्यारी क्यूट से कलर एक लग रहा था, बहुत अच्छे लग रहा था। इसके बाद यहाँ पर चोको बार यानी ये चॉकलेट्स भी थे यहाँ पर, और टॉफिस भी थी यहाँ पर, तो बहुत यानी बहुत ज़्यादा तादाद में रखी हुई थी यहाँ पर चॉकलेट्स। अच्छा जी, पूरी मार्केट देखने के बाद अब हम यहाँ पे आके रुके हैं और देखते हैं हमें क्या लेना है। अम्मी यहाँ पे रुक गई थी तो मैं भी यहाँ पे आके रुकी हूँ, और देखते हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ें हैं। और अच्छा यहाँ पे ना सारे ईरानी यानी ईरानी जो शैम्पूस वगैरह होते हैं ना, शैम्पूस इसमें ईरानी है, ये ऑनियन वाला भी ईरानी लिखा हुआ था पीछे, तो ईरानी यानी ओरिजिनल यहाँ पर रखे हुए हैं। इसके बाद यहाँ पर काफ़ी बॉडी स्प्रे रखे हुए हैं और लोशंस वगैरह रखे हुए हैं, बहुत अच्छे सारे ओरिजिनल ईरानी रखे हुए हैं यहाँ पर।
मैंने आपको ये वाली शॉप भी दिखाई और यहाँ पर भी आपको यानी मेकअप का हर प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको। यहाँ पे फेशियल सारे रखे हुए थे, हर चीज़ यहाँ पे थी, लेकिन प्राइस सबके अलग अलग थी। सो गाइस, अब हम लोग आ चुके हैं नेटो मार्केट, और नेटो मार्केट से हम क्या लेंगे ये मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे यहाँ पे सामने रखा बैग मुझे बड़ा क्यूट लगा और मैंने इसकी प्राइस पूछी तो 1000 रुपीज़ प्राइस उन्होंने बताई मुझे। इसके अलावा यहाँ पे कैंपिंग का आपको हर किस्म का सामान मिल जाएगा। यहाँ पे जैकेट्स रखी हुई थी, यहाँ पे फैंस रखे हुए थे, लाइट्स रखी हुई थी यहाँ पे, और टूल्स रखे हुए थे, इसके अलावा स्टॉव रखे हुए थे, यानी हर किस्म का यहाँ पे सामान मौजूद था। इसके अलावा केटल्स थी यहाँ पे, और स्टॉव में भी हर किस्म के स्टॉव थे, और इसके अलावा जैकेट्स आप देख रहे हैं, जैकेट्स की भी हर किस्म की जैकेट्स थी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ सर्दियाँ ज़्यादा होती है और लोग ज़्यादा आते हैं, कैंपिंग वगैरह भी करते हैं और पहाड़ों पे चढ़ते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा सामान रखा हुआ था। और इसके अलावा यहाँ पे जो लाइट्स थी, जूसर मशीन्स थी, वो भी बड़ी क्यूट क्यूट रखी हुई थी। यार लाइट्स की तो इतनी किस्में थी कि मैं क्या बताऊँ आपको, यानी आपको यहाँ पर मैं दिखाऊँगी लाइट्स की किस्म। और एक लाइट मुझे और भी बहुत अच्छी लगी, यहाँ पर ये सीट्स यानी चेयर्स रखी हुई थी, यानी ट्रैवलिंग की चेयर्स रखी हुई थी, और ये जो था ना ये मुझे इतना क्यूट लगा, इतनी प्यारी लाइट थी, ये बहुत ही क्यूट लाइट थी। इसके अलावा ये छोटा स्टॉप रखा हुआ था, यही वही ट्रैवलिंग के हिसाब से रखा हुआ था, और फैंस वगैरह की बहुत किस्म थी यहाँ पे। टॉर्च, ओ ये वाली, नहीं इधर आओ, हाँ ये टॉर्च उठा के दो, देखा कितनी अच्छी लग रही है। इसकी क्या प्राइस है? 2500।
हाँ जी, यहाँ पे हमें बैग्स अच्छी लगी तो हमने कहा 100 बैग्स देखते हैं, तो हम यहाँ पे बैग्स देखने लगे और बैग्स की प्राइस सारी ये बता रहे थे, यानी 10,000 से स्टार्ट थी बैग्स की प्राइस, और यानी छोटी बड़ी, फिर इसके बाद बड़ी, फिर ये यानी बहुत किस्म की यहाँ पे बैग्स रखी हुई थी और बहुत अच्छी क्वालिटी की बैग्स थी यहाँ पे, और हमें नीड भी थी, तो हमने कहा देखते हैं यहाँ पे अगर बैग्स अच्छे मिल जाते तो हम यहाँ से बैग लेते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे बैग एक अच्छी लगी तो हमने ले लिए यहाँ से ये एक बैग। और अच्छा गाइज़, आपको अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट न्यू वीडियो आपको ज़रूर शो हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।